आपसे मिलने आया हूँ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, रब को अपने इरादों के टूट जाने से पहचाना। तदबीर पर तकदीर गालिब होती है। और एक बात मुझे इस सारे जो तकलीफ़ पेश आई, इससे पहली दफ़ा मुझे एक बात बड़ी दिल में ठुकी कि अल्लाह ने उसूल दीन में तकदीर का ज़िक्र किया। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बाअथि बादल मौत। तकदीर का यकीन इतनी बड़ी गम की तसल्ली है कि इससे बड़ी कोई तसल्ली नहीं है। कि मुझे अपनी इस तकलीफ़ से, मुझे चौथी दफ़ा दिल का मसला हो रहा है और मैंने सुस्त ज़िंदगी नहीं गुजारी। तो मैं चूँकि कॉलेज से आया था, स्कूल से ट्रेनिंग थी, कॉलेज, तो मैंने अपनी हर यकीनन अपनी हिम्मत के मुताबिक मुमकिन है उसके बराबर ना किया हो, लेकिन सुस्त ज़िंदगी नहीं गुजारी। सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज की है, एहतियात से खाया है। और फिर जो चीज़ दिल को कमज़ोर करती है वो है हसद, और वो है बुग्ज, और वो है नफ़रत। तो अल्लाह ने मुझे इन सारी चीज़ों से बचाया। ना मेरे अंदर किसी का बोझ है, ना नफ़रत है, ना हसद है। और रूहानी तौर पर इन चीज़ों से अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। अब आज भी मैं, जब मैं यहाँ से गया हूँ, तो मेरी एक्सरसाइज वो थी जो आप नहीं कर सकते। फिर मुझे दिल का दौरा, चौथी दफ़ा दिल का। तो अगर ये यकीन न होता कि माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, आलम अन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्न अल्लाह क़द अहात बिकुल्ली शैइन इल्मा, ये सुबह की दुआओं में एक जुमला है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, माशा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन, आलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। ज़िंदगी मोटरवे नहीं है, मोटरवे नहीं है। आप सब वो बच्चे हो जो कुछ अरसे के बाद अमली सफ़र शुरू करोगे। ये पाकिस्तानी सड़क है, पाकिस्तानी सड़क। अभी मैं इस तरफ से आया हूँ, ये नूरपुर की तरफ से, तो समझो ज़िंदगी इस सड़क की तरह है। इसमें खड्डे ही खड्डे हैं, खड्डे ही खड्डे हैं। तो हर खड्डे पर अगर आप सोचोगे ये खड्डे में मुझे धक्का क्यों लगा, यहाँ मुझे कांटा क्यों चुभा, तो आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। मुझे डिप्रेशन हो गया, इतनी कोशिश के बाद फिर चौथी दफ़ा। और जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ करीब वहाँ के स्टैंडर्ड का जिम बना हुआ था, मैं वहाँ जाके एक्सरसाइज कर रहा था।
दो दिन पहले तक मैंने वहाँ एक्सरसाइज की है और मेरे आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाए ना कोलेस्ट्रॉल, तो फिर उससे अटैक होता है। मेरे कोलेस्ट्रॉल ठीक, मेरा ट्राइग्लिसराइड होता है वो ठीक, मेरा HDL ठीक, LDL ठीक, ठीक है। तो मुझे कैसे अटैक होता है, एकदम कोई लोथड़ा आता है और आके मेरी ड्रग को बंद कर देता। क्यों आता है? कजी हो जाता है, वहाँ के डॉक्टर जो इतने काबिल हैं कि जी ये हो जाता है। यहाँ के डॉक्टर, उनसे पूछा जी ये हो जाता है, उन्होंने पठियान भी पता कोई नहीं भाई ये क्यों हो जाता है, क्योंकि इंसानी इल्म नाकिस है। तो मैं आपको आज सिर्फ ये एक बात करने आया हूँ बेटा कि हालात जब ऊपर नीचे हों तो ये ऊपर नज़र ले जाना, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मा शा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो मुझे डिप्रेशन से फिर इस तकदीर के यकीन ने निकाला कि मा असाबक लम यकुल लियुख्तिअक वमा अख्तअक लम यकुल लियुसीअक, रुफ़त अल-अक़लाम जफ़त अस-सुरूफ़। तो अमली ज़िंदगी ऐसे चलती है ऐसे। तो अब हर नशेब में परेशान हो जाएं, फराज बुलंदी को कहते हैं फ़ारसी का लफ्ज़, नशेब भी फ़ारसी का लफ्ज़ पस्ती को कहते हैं। अब हर बुलंदी पे अपनी औकात भूल जाएं और हर पस्ती पर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, एक ही हो गया, एक क्यों हो गया, एक ही हो गया, एक क्यों हो गया। इस्लामी मुल्क गरीब हैं और जिन मुल्कों से मैं आया हूँ अमीर हैं, लेकिन ख़ुदकुशियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पैसा हवादिस को तो नहीं रोक सकता। जब हवादिस पेश आते हैं तो कहते हैं ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये तो नहीं होना था, चलो यहाँ डर्ज कर देते हैं। हमें क्या चीज़ निकालती है, अच्छा मेरे अल्लाह को यही मंजूर था, अच्छा मेरे अल्लाह को यही मंजूर था, मेरे अल्लाह को यही मंजूर था। एक सेठ आबिद होता था पाकिस्तान पर, उसका बड़ा एहसान है, फौत हो गया। तो उसके 6 बेटे थे, 5 गूंगे थे, 1 बोलने वाला था, 5 गूंगे थे। तो उसको किसी ने कत्ल कर दिया जो बोलने वाला था। तो मैं ताज़ियत के लिए गया, कहा मौलाना साहब अल्लाह की तकदीर थी, हम राजी हैं, सुभान अल्लाह। ये एक पूरा मैं दर्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पूरा सबक है ये। ये शायद आप पूरे 6-7 सालों में ये मज़मून आपके सामने नहीं आया होगा, ना ही मेरे सामने था, ना मैं कभी इस पर बोला हूँ। मैं एक हाल में से गुज़रा हूँ, कहते लैसल ख़बर कल मुआयना, लैसल ख़बर कल मुआयना। जो जब तक आदमी किसी चीज़ से गुज़रता नहीं तो वो उसकी हकीकत को नहीं पा सकता। आप सब्र की घाटी से जब तक गुज़रेंगे नहीं, आप सब्र की लुगवी तहकीक कर लेंगे, सब्र से महरूम होंगे। तो इस तकलीफ़ ने यानी मेरी सारी रगें, अब भी वो मैंने देखा तो सब सॉफ्ट, सारी सॉफ्ट हैं। परसों मेरा भाई आया हुआ था, वो कह रहा था तेरे किसी भी उसमें, उसको वेन कहते हैं, कोई बीमारी कोई नहीं है, बस एक जगह आके अल्लाह ताला अटका देता है।
तो आपको इस तरह के अटकावे मिलते रहेंगे ज़िंदगी में। एक तो परेशानी तो फितरी चीज़ है, लेकिन गलत नहीं सोचना, गलत कदम नहीं उठाना। अस्अलुकर रदा बादल कवा, ये मेरे नबी की सुबह शाम की दुआ में से है। اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء। तो कुछ अरसे के बाद आपकी अमली ज़िंदगी होगी, शादियाँ होंगी, हालात का उतार चढ़ाव होगा। एक बात तो मैंने आपसे ये करनी थी बेटा कि ये मैंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है। मुझे 52 साल हो गए दीन के रास्ते पर चलते हुए, न किसी उस्ताद ने ये सबक पढ़ाया और न किसी किताब में। खैर मुताला तो मेरा है ही कोई नहीं, इतना किताबों में तो लिखा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन मेरे इस चौथी दफ़ा जो मेरे दिल पर गुजरी, जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। तो तजुर्बात ज़िंदगी से सीखना चाहो तो बहुत बड़ा इल्म छुपा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे मालिक, तो राज़ी है तो ना, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी बच्चे अब्दुल्ला बिन हुसैन के यहाँ हरमला था, कूफी लश्कर में हरमला बिन मुवक्किदन्नारस, तीर मारा यहाँ लगा तो खून का फवारा तो ऐसे दोनों हाथों में ले लिया ऐसे, और यूँ आसमान की तरफ ऊपर कर दिया कि या अल्लाह तो राज़ी है तो कोई मसला ही नहीं। दूसरी बात यह है कि इंसान दूसरे के लिए कैसा हमदर्द हो, ये भी मैंने वहाँ सीखा। मैं अजनबी हूँ, कैनेडियन नहीं हूँ, मुसाफिर हूँ, मुस्लिम हूँ। जिस तरह वो लोग मेरे लिए दौड़े हैं और मुझे संभाला है, और ये हर आदमी का यही प्रोटोकॉल है। यहाँ तो ये जिस सदर साहब के मरीज़ आ रहे हैं तो सौरे हिल जाते हैं, वो फ़कीर तड़पते तड़पते मर जाते हैं। वो फ़कीर हो या वो बादशाह, अगर मरीज़ की मौत नहीं लिखी हुई तो वो उसे ज़ाय नहीं होने देते, अपनी जान खपा देते हैं, और यही उनकी बका का सबब है। वो बेहयाई में इतना आगे चले गए हैं कि उन पर अजाब इसी सेकंड उतरना चाहिए। सबसे ज़्यादा अजाब जो पिछली कौमें हैं उनमें लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे सबसे ज़्यादा अजाब आए, 5 अजाब इकट्ठे आए उनकी उस फहाशी की वजह से। वो इसमें कितना आगे जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह को अपने बंदों की खैरख्वाही पसंद। खैर उन्नास मन ईमान से खाली हैं, लेकिन बेटा इंसानियत से भरे हुए। एक मैंने ये चीज़ सीखी कि इंसानों की हमदर्दी कैसे की जाती। हमारे मुल्क में खुद गर्जी है और बस सिर्फ अपनी सोच है अपनी। किसी और के लिए जीना सीखो, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, परिंदा भी जीता है, मर के मिट्टी हो जाता है।
औरों के लिए जीना सीखो तो अल्लाह आप को तहज्जुद गुजारों से बड़ा अजर देगा। उन मुल्कों के बाकी रहने का सबब और पूरी दुनिया पे राज करने का जो सबब है वो इंसानी हमदर्दी है। गाड़ी आएगी ना, मैं पास बैठ, उधर से दूसरी गाड़ी आ रही है, ये भी रुक जाएगा, वो भी रुक जाएगा, वो कहेगा आप आगे निकल जाएं, वो कहेगा आप आगे निकल जाएं, यहाँ एम्बुलेंस को नहीं निकलने देते, एम्बुलेंस को नहीं निकलने देते, और वो आम रोड पर उसे कहते, और फिर जो गुजर जाए वो उसको सलाम करता है कि शुक्रिया। आप किसी ट्रैफिक में मुड़ना चाहो, मुड़ के भी खाओ का। इंसानियत की हमदर्दी, अपने माहौल में जाओगे, लोगों के दुख दर्द में शरीक हो, किसी के काम आ सकते हो तो काम आओ। एक ये चीज़ मैंने देखी, ऐसे मेरे सर पे खड़े हुए जैसे मैं कोई बड़ा अफसर हूँ। हमारे डॉक्टर ताजिर हैं, ताजिर मरीज को काक समझते हैं, गाक आ गया। हमारे वहाँ अस्पताल में मरीज आ जाए तो एक डॉक्टर कहता बकरा आ गया जी, फड़ लो फड़ लो फड़ लो, बकरा आ गया, लानत उस खबीस पर, बकरा आ गया जी। वो दिल का मरस, एक सेकंड में आदमी मर सकता है। तो बच्चों बस यही आपसे कहने आया था कि मुझे अभी 6 हफ्ते का आराम बताया है उन्होंने, जब झटका जब लग जाता है तो पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर हर वो चीज़ जो बोझ, मसल मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेरे दिल पर बोझ है ये, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि मैं आपकी ज़्यारत करूँ, आपके उस्तादों की ज़्यारत करूँ और आपसे दुआ ले लूँ, आप कर ही रहे होंगे तो दुआओं की बरकत से मुसीबतें टलती हैं। जब उन्होंने मुझे एक मज़े का वाक़या भी सुना देता हूँ, जब उन्होंने मुझे ये डब्बा दो डब्बा, जब उन्होंने मुझे वो ICU जो बहुत ही निगहदाश्त का वार्ड होता है और मरीज़ ख़तरे से बाहर निकल जाता है तो वार्ड में शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ 2 मरीज़ पहले एक बंगाली था, एक फिलिपाइन का था। बंगाली ने सलाम किया जानबूझ के, ताकि ये, चूँकि मैं तो मुसलमान नज़र आ रहा था तो उसने सलाम किया कि मैं भी मुसलमान हूँ। उसने मुझे पहचाना नहीं, चूँकि मेरा हस्पताल का लिबास था और वो तारें जुड़ी हुई थीं, वो चिपें लगी हुई थीं और आलात लगे हुए थे, तो वो ऐसे गुजरते हुए अस्सलाम अलैकुम, तो आमने सामने बिस्तर थे और बीच में पर्दा था, उसे नहीं पता मैं तारिक जमील हूँ, ठीक है, और वो मेरा बयान सुन रहा है मोबाइल पर। इतने में नर्स आई, खाना ऐसा आलीशान खाना हॉस्पिटल का, सुभान अल्लाह, यकीन मानो दिल रोता था। हर हॉस्पिटल को यहाँ पैसे मिलते हैं खाने के, मरीजों को खाना दो और आला दर्जे का खाना दो, वो सारा अमला खा जाता है और मरीजों का खाना लवाहिकीन लेकर घर से आते हैं। तो वो हम चूँकि 3 मरीज़ थे तो 3ों का खाना था, तो उसमें उनके नाम लिखे हुए थे,
तो वो नर्स करीब आई, जोर से कहा, तारिक जमील। तो बंगाली के कान में पड़ गया, तो उसने छलांग लगाई और हुजूर हुजूर, वो मुझे मोबाइल में मेरी फ़ोटो दिखा रहा था, हुजूर हुजूर कि मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। या अल्लाह, कैसे हिदायत के निज़ाम चला रहा है। तो बेटा, एक तकदीर का यकीन रखो, माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन, माशा अकान कमाशा अकान फिल वक्त लदी शाह अलल वजह लदी शाह मिन गैर तकद्दुम वला तअख्खुर वला ज़ियादा वला नुकसान। ये फिल बदी आपकी बरकत से इबारत आ गई। जो अल्लाह चाहता है, ये यकीन संभाल के रखो, तो हालात से गुजरोगे ना, तसल्ली रहेगी। नमाज पढ़ोगे, नफल पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे। और दूसरा जो मैंने उनको देखा, इंसानी हमदर्दी, एक दूसरे का एहतराम। जो भी गोरा उसके पास से गुजरेगा ना, वो आपको ऐसे मुस्कुरा के मिलेगा। अब वो हलो, उनका हलो हलो या हाय होता, हाय हलो, मुस्कुराएगा। हम सब आबूसन कम तरीरा हैं, जितने के जितने सारे, कोई मुँह ऐदे की थी फिर दे, कोई ऐदे की थी फिर दे। बेटा, बहुत बड़ा सबक सीखा है और आपको बहुत काम आएगा। मैं तकल्लुफन बोला हूँ आधा घंटे, ये मदरसा चल रहा 22 साल हो गए। मैं आज पहली दफ़ा तकदीर पे बोला हूँ, पहली दफ़ा, कि ये बहुत बड़ा नुस्खा है तसल्ली का। अच्छा, मेरे अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, मैं राजी हूँ। तो मेरे अल्लाह को यही मंजूर था कि उसने मेरे दिल को झटके देने थे, तो मैं राजी हूँ। सर दर्द है, नहीं जा रहा, राजी हूँ, ठीक उसकी तरफ से। तीजा याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा।